वेलकम बैक टू 80 व्लॉग्स। सो गाइस आज हम आए हैं गुरुग्राम शीतला माता मंदिर में, तो आपको वहाँ मंदिर के दर्शन कराते हैं और यहाँ तक कैसे आया जाए ये भी आपको बताते हैं। हमारे अंकुश भाई के साथ गाड़ी हमने पार्क कर दी है, तो अब चलते हैं मंदिर में और आपको यहाँ तक कैसे आया जाए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन MG रोड है, जिसमें आप शेयरिंग ऑटो करके जो आपको 10 से 20 रुपए में माता के मंदिर के सामने छोड़ देंगे। ये साइड में आप देख सकते हैं प्रसाद वगैरह का लिया पूरा। यहाँ पार्किंग है, पार्क पे गाड़ी पार्क करो और अपना यहाँ से प्रसाद ले लो, बाकी पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है। ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ये प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद का भैया बताएंगे, बताना भैया कैसे कैसे है प्रसाद बता दो। पूरा सिंगार लेना है या वो सिंपल लेना है? ये दे है 500 का, सिंपल है 251 कौन सा लेना है? ये 501 का बता रहे हैं, सिंपल वाला 251 का बता रहे हैं, पूरा सिंगार है। बाकी माता रानी की चुन्नियां भी है। बाकी ये चुन्नी वगैरह मिलती है, चुन्नी कितने की है अंकल जी? कौन सी चुन्नी ऊपर की जो ये लगी हुई है? ये 250 रुपए की चुन्नी है, आप अपने श्रद्धा अनुसार चढ़ा सकते हैं प्रसाद। रोड से आओगे आपके साइड में ही पार्किंग है, ये देख सकते हो अंदर की ओर, और रोड पार करके है माता रानी का मंदिर, तो रोड पार करने चल रहे हैं अभी हम। ये मंदिर का रास्ता है, आप देख सकते हो रास्ते में प्रसाद वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। चलते हैं मंदिर की ओर। नवरात्र में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है इधर। ये मंदिर का मेन द्वार श्री माता शीतला देवी मंदिर प्रांगण, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं मंदिर की। आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है मंदिर अंदर से और काफ़ी बड़ा भी है। मंदिर के समय की बात की जाए तो मंदिर सुबह अपना 5 बजे खुल जाता है और रात्रि में 10 बजे तक बंद हो जाता है, और नवरात्रों के टाइम ये 24 घंटे खुला रहता है। नवरात्रों के टाइम पे यहाँ पे मेला भी लगता है, काफ़ी बड़ा मेला लगता है, तो नवरात्रों के टाइम पे अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आना चाहते हैं तो नवरात्रों के टाइम ज़रूर एक बार आके यहाँ माता रानी के दर्शन करके जाना। ये मंदिर के प्रांगण में हमारी एंट्री हो चुकी है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी विशाल मंदिर आप देख सकते हो। बाकी नवरात्रों के टाइम ये काफ़ी अच्छे से सजा रहता है। सामने ही शीतला माता के दर्शन, अगर आपको अच्छे से दर्शन हो तो कमेंट सेक्शन में जय शीतला माँ लिखना ना भूलना। और मंदिर का प्रांगण देख सकते हो आप कितना अच्छा है, साइड में नौ देवी भी की भी स्थापना कर रखी है। मंदिर से बाहर निकलते ही शीतला माता की ज्योत है और साथ में भैरव बाबा की भी ज्योत है, जो यहाँ को जलानी पड़ती है। तो चलते हैं, पहले शीतला माता की ज्योत जलाते हैं फिर भैरव बाबा की जलाते हैं।
माता रानी और भैरव बाबा की जोत जलाने के बाद अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हो, सामने ही है मुंडन हॉल। तो जिसे भी अपने बाल बाल मुंडवाने हो तो वह यहाँ आके अपना बाल मुंडवा सकता है, मतलब जो भी बोल कबूल की जो भी रहती है तो यहीं आके मुंडे जाते हैं। यह वो पेड़ है जहाँ पे मन्नत का धागा बांधा जाता है। आप देख सकते हो लोग बागों ने कितनी मन्नत मांग रखी है। अब आगे चलते हैं। श्री शीतला माता पवित्र लाभ की मिट्टी यहाँ निकाली जाती है। यहाँ पर माता के बोल कबूल बकरे मीट मुर्गे चढ़ाए जाते हैं। ये जैसे आप देख सकते हो लोग बाग मिट्टी निकाल रहे हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, मिट्टी निकालते हैं। तो अगर आपको भी कोई मनोकामना मांगनी हो तो आप भी यहाँ से मिट्टी निकाल के अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। अगर आपको घर की इच्छा है तो आप यहाँ अपना घर बना सकते हैं, जैसे कि लोग बागों ने ये देखो बना रखे हैं और लोग बाग बना भी दिए हैं वो देखो, तो आप यहाँ अपना घर भी बना सकते हैं। बाकी अब आगे चलते हैं। यहाँ शनि देव के प्रसाद चढ़ता है, शनि देव को जो तेल चढ़ता है, पर काफ़ी ज़्यादा महंगी रेट है। ये छोटी सी बोतल हमें 50 रुपये की पड़ी है। ये साइड में शनि देव जी की आरती भी है, आप यहाँ पे आरती भी पढ़ सकते हैं। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद हम बाहर जा रहे हैं अब दूसरे मंदिर। यहाँ से एंट्री होती है, यहीं से हम एग्जिट कर रहे हैं साइड से अपना एंट्री और यहाँ से एग्जिट। मंदिर से हम बाहर जा रहे हैं। शीतला माता मंदिर के दर्शन के बाद हम आए हैं मसानी देवी मंदिर के दर्शन करने, जो पीछे की साइड है। काफ़ी लंबी लाइन है, देख सकते हो आप, ये काफ़ी पीछे तक लाइन है। अभी लगते हैं लाइन में, माता रानी के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। डेढ़ घंटा लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया, अब हम मंदिर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर बलि वगैरह भी चढ़ती है माता रानी को। तो हमने मंदिर के पूरे दर्शन कर लिए और आपको भी हमने पूरे दर्शन करा दिए हैं शीतला माता मंदिर के। पीछे मसानी मंदिर था ना, मसानी मंदिर था, तो उनके भी आपको मैंने दर्शन करा दिए। वहाँ वीडियो को बनाना अलाउड नहीं था, तो थोड़े बहुत जो भी हो सके मैंने आपको दर्शन करा दिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय शीतला माँ लिखना ना भूलें। और यहाँ का मतलब प्रशासन जो मतलब देख रेख है मंदिर का, काफ़ी बेकार है, क्योंकि इवन तिलक करने तक के वो पैसे मांग रहे थे, हर चीज़ के पैसे वो मुंह से मांग रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि हर चीज़ में पैसे पहले पैसे पहले, टीका हो चाहे माला चढ़ानी हो चाहे पूजा का कोई भी, इवन कुछ भी हो तो पैसे पहले चाहिए उन्हें। तो ये थोड़ा माता के नाम पे वो थोड़ा पैसे ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे को गलत लगी। बाकी भी लोग अच्छा लगा हो
तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक हिप हिप हुर्रे, बाय।